आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। सौभाग्य योजना के तहत जहां ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को निशुल्क में बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत ऐसे गांवों का चयन करते हुए उन गांवों में भी बिजली व्यवस्था बहाल की गई जिन गांवों में बिजली के पोल तक नहीं गाड़े गए थे। लेकिन आज भी कुछ ऐसे गाँव में मजरे हैं जहाँ पर स्थानीय लोगों को बिजली के मीटर तो दे दिए गए हैं, लेकिन उन बिजली के मीटरों में आज तक कनेक्शन नहीं हो सका क्योंकि गाँव में बिजली के खम्भे ही आज तक नहीं लगाए गए। ऐसा ही हाल है शंकरगढ़ विकास खंड के अंतर्गत आने वाली तालापार मजरे का, जहां पर रहने वाले लोगों के घरों में बिजली के मीटर व कनेक्शन तो लगा दिए गए पर बिना बल्ब जले बिजली का बिल आने लगा, जिसकी शिकायत को लेकर के गांव की दर्जनों महिलाएं 12 तहसील मुख्यालय में पहुंच कर के अपनी शिकायतों को संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष रखी। वहीं वहां मौजूद बिजली विभाग के अधिकारियों से जब इस बारे में पूछा गया तो वह गोलमोल बातें करके मामले को निपटाने में लग गए। लेकिन यह अकेले तालापार मजरे का ही सवाल नहीं है अपितु कई अन्य मजरों से में भी यही हाल है, जहां लोगों को कनेक्शन तो मिल गए हैं पर उनके घरों में आज तक बल्ब नहीं जले हैं। मजबूरी बस लोग बांस बल्लियों के सहारे दूर से बिजली के तारों को खींच करके किसी प्रकार से व्यवस्था किए हुए हैं। प्रयागराज से अजय पांडे की रिपोर्ट, प्राइम इटी न्यूज। शिकायत करने के लिए आज समाधान दिवस का लाइट क्या हुआ है? तो बिल कितना आया है लगभग इस समय? क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आप लोगों जो शून्य में शिकायत करने के लिए? हमारे बच्चे घर में 3 साल के हुआ है, मीटर गड़ाया है, अल्लाह लाइट आज तक नहीं है, बिल चालू रहा। किस गांव का मामला है? ताला पर शंकरगढ़। तो आपने इसकी शिकायत की या नहीं की? कनेक्शन आपका जो है लगा हुआ है? हाँ, कनेक्शन लगा तो है। आपने विद्युत विभाग के अधिकारी को कभी इस बात की शिकायत की? हाँ, पावर क्या नाम है आपका?